स्वयं अपनी जान लेना न केवल सामाजिक दोष है बल्कि कानूनन अपराध भी है। आईपीसी सेक्शन 309 के तहत खुदकुशी करना कानूनन जुर्म है, जिसके तहत जुर्माने के साथ साथ एक साल की कैद भी हो सकती है। फिर भी ये मूर्खता करने चले हो, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा तुम? ये सब अपने परिवार वालों के लिए कर रहा हूँ। मेरी 30 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेरे मरने के बाद वो पैसे मेरी बीवी को, मेरी बच्ची को मिल जाएंगे। इन्होंने मिस्टर शाह की ऑफिस में बॉम्ब रखा और वो बॉम्ब फट गया, जिसकी वजह से मिस्टर शाह की तो मौत हो गई और दूसरे 8 लोग जख्मी हो गए। मैं अभय को हारने नहीं दूंगा। अभय की हार में असल हत्यारे की जीत है। वो रोज मरेंगे, तिल तिल मरेंगे, रोज सूली पर चढ़ेंगे। क्या यही चाहता था तू? यही चाहता था तू? लेकिन पॉलिसी के पैसे। हाँ, पैसे पैसे पैसे, तुम्हें भूल ही गया। पॉलिसी के पैसे, पैसे तो मिल जाएंगे उन्हें। किन्ना, क्या लगता है तुझे? वो गर्व से खर्चेंगे पैसे। अनन्या उन पैसों से गुड़िया खरीद कर लाएगी और गुड़िया से बात करेगी, कहेगी ये मेरे पिता ने खून किए थे, उससे पैसे मिले, उससे तुम्हें खरीद कर लाए, खूनी थे मेरे पापा। अगर अनन्या तुझसे आकर पूछे कि बापू क्या तुम हत्यारे हो, क्या खून किया तुमने, क्या कहोगे तुम अनन्या से? क्या कहोगे तुम अनन्या से? कहोगे खूनी हूं मैं? हाँ, क्या कहोगे? नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने किसी को भी नहीं मारा। किसी को भी? मैं तो सिर्फ हादसे का फायदा उठा करके खुद को फांसी पे चढ़वाना चाहता। मैं चाहता था कि पॉलिसी के पैसे मेरे बीवी बच्चों को मिल जाए और ये प्रॉब्लम सॉल्व। पैसे ही सब कुछ होते हैं क्या? रिश्ते कुछ नहीं होते। बैठ 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 बैठ। जो हुआ उसे भूल जा। अब ये बता कि वो बॉम्ब तूने अपने बैग में तो डाला नहीं होगा? नहीं, मैं तो ऑफिस अपनी सैलरी लेने गया था। वो बॉम्ब मेरी बैग में कैसे है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। सोच के बता, क्या 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 हुआ था उस दिन? बैग कहीं छूटा था तुझसे, किसी ने बैग को छुआ था जो बॉम्ब डाल सके उसमें? क्या क्या घटनाएं घटी थी, याद करके बता। अभय, नहाने का पानी गर्म हो गया। हाँ ठीक। खुदा, मैं निकल रहा हूँ। पापा भूलना नहीं है पेंसिल बॉक्स। नहीं भूलूंगा, पक्का। सब हम आपका घर अगले महीने खाली कर देंगे। अरे जब तक चाहो रहो, भाड़ा भी जब मिले तब दे देना, लेकिन इसके बदले मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? इस फ्लैट में मेरा कुछ सामान रखना है। कैसा सामान? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। शुक्र मनाओ इस घर में अभी तक रहने दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, मैं शाम तक सोच के बताता हूँ। तुम्हें अंदाजा था किस सामान की बात कर रहा है? नहीं, पर जाहिर है कुछ गलत रहा हो, कुछ 2 नंबर का माल रहा हो। वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता। मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं सकता, वरना वो मुझे मेरे घर से निकाल देता। ये भी संभव है कि कोई सामान रहा ही ना हो, केवल एक बहाना हो तुझे अपने बैग से दूर करने का।
हो सकता है, लेकिन एक मरे हुए को मार के क्या फायदा? और होंडा की मिस्टर शाह से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर क्या हुआ था उसके बाद? हंशु भाई से मिलने गया था जिनसे मैंने लाखों रुपए खर्च लिया था। ए रो, ऑटो ही मांगने को आया क्या? नहीं भाई, मैं एक डील लाया हूँ भाई। 30 लाख की मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर मैं मरता हूँ तो वो 30 लाख मेरी फैमिली को मिल जाएंगे। भाई आपके 8 लाख रुपए आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो फिर तू मरता क्यों नहीं? बस उसी के लिए आया हूँ भाई, आप मुझे मार दीजिए। क्या आप भाई लोग हैं, पैसों के लिए ये सब काम करते हैं, आपके पैसों के लिए क्यों नहीं मार सकते? भाई मैं मर जाऊँगा, मेरी फैमिली को 30 लाख रुपए मिल जाएंगे, आप मेरी बीवी से 8 लाख रुपए, 8 क्यों, आप 10 ले लीजिएगा उससे मेरे मरने के बाद। महिला मरना पड़ेगा तेरे को, मैं अपनी अक्खी लाइफ में तेरे जैसा नमूना नहीं देखा। इतने दिन से मैं तेरे को बोल रहा था कि तू मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरे को मार देगा, और आज तू मेरे को बोलता है कि मेरा पैसा तभी मिलेगा जब मैं तेरे को मारेगा। ताकि मैं तेरे को मार दे और कल को पुलिस को मालूम पड़े तो मैं सीधा जेल में। नहीं नहीं भाई, बहुत चढ़ा है तू, बहुत। अगर तेरे को मरने का ही है तो तू जाके मरना, ये पाप मेरे सिर पे क्यों डाल रहे तू? भाई है मैं, खूनी नहीं है। चल निकल, चल निकल, बोला ना तेरे को। भाई आपके पैसे, चमन बैग इसके मुंह पे मार, दफा कर इसको यहां से। और उसके बाद तुम कहां गए थे? ऑफिस? नहीं ऑफिस नहीं, मैं पेंसिल बॉक्स लेने गया था अपनी बेटी के लिए। आप सही थे, उस दिन मैं कहीं मरने के लिए नहीं गया था, मुझे पेंसिल बॉक्स गिफ्ट करना था अपनी बेटी को। तो भैया एक जरा अच्छा सा पेंसिल बॉक्स देना 10 साल के बच्चे के लिए। और उस दौरान तुम्हारा लैपटॉप बैग साथ था? पूरा दिन मेरे पास था। फिर उसके बाद मैं शाह केमिकल्स गया था। बॉस है क्या? है सर, पर दामोदरन साहब के साथ मीटिंग। ठीक है मैं रुकता हूँ, जरा सा बैग देखोगे? मैं वॉशरूम से आता। इसके आगे की कहानी हम सब जानते हैं, मतलब कुल मिला के या तो हांडा ने या घंशू ने या फिर बबलू ने वो बम तुम्हारे बैग में रखा। साबित कैसे किया जाए? केड़ी मुझे बचा लो। क्यों, तुम तो मरना चाहते? हम मरना नहीं चाहते। ठीक है, कोशिश करूंगा, एक शर्त पर। ये मामला निपट जाए, सब कुछ शेष हो जाए, तो आत्महत्या का भूत तुम अपने सर से उतारोगे। मर्दानगी समस्या का सामना करने में होती है मेरे दोस्त, जीवन से संघर्ष करने में होती है, डर कर भागने में नहीं। मैं वादा करता हूं, बस मुझे बचा। बबलू, घंशु, हांडा, ये तीनों मिस्टर शाह को बॉम्ब से क्यों उड़ाएंगे? बबलू तो चलो मिस्टर शाह को जानता भी था, पर घंशू और हांडा ये दोनों तो मिस्टर शाह को दूर दूर तक नहीं जानते।
हाँ लेकिन अभय को तो जानते थे। अभय के साथ ऐसी क्या दुश्मनी? तो नहीं, हो सकता है अभय की मृत्यु से इन्हें कोई लाभ हो रहा हो, पता लगाना पड़ेगा। पता लगा? ठीक है सर, मैं पता लगा दूँ। अगर अभय के सच कहने से वो बच जाता है तो केडी सर का ये एहसास मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो तो देवता है देवता। आपके लैंडलॉर्ड मिस्टर हांडा, उनकी अभय से कोई दुश्मनी थी? मिस्टर हांडा को क्या फायदा हो सकता है? फायदा? अभय को जेल भेजवाने से। एक हो सकता है। हांडा जी आप, मैं आपका किराया किराया मांगने कौन आया है? मैं तो बस ऐसी आपका हाल चाल पूछने आ गया था। देखिए कितना बुरा हुआ, आपके पति जेल चले गए। वैसे आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अरे मैं हूँ ना, आप इस घर में जब तक चाहे रह सकती हैं, और आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक होके मुझसे कह दीजिए। कमीना कहीं का। उन्होंने आपके घर में कोई सामान रखवाने की बात की थी? नहीं तो कौन सा सामान? हांडा एक मिनट। हांडा मैंने सुना है कि निर्मल टावर्स में आपके पास भाड़े पर फ्लैट है। मुझे 2 BHK का फ्लैट चाहिए अपने लिए। हाँ हाँ मिल जाएगा, 50,000 महीना और 4 लाख डिपॉजिट। 4 लाख? ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली उन्होंने मुझसे कहा था। किसने? मिस्टर शाह, शाह केमिकल्स वाले, मिस्टर नरेंद्र शाह। वो तुम्हें कहाँ मिला? उनकी डेथ से काफी पहले। शाह? और तेरे को मेरा नंबर देगा? अरे वो मेरा दुश्मन है, सच बता क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है, उन्होंने ही मुझसे कहा। कोई फ्लैट फ्लैट नहीं है मेरे पास, चल निकल यहाँ से, जाओ जाके किसी और को ढूंढो। अरे लेकिन मिस्टर हांडा। अरे हांडा साहब मेरी बात तो सुनिए, कोई चक्कर वक्कर नहीं है, मुझे अपने लिए 2 BHK का फ्लैट चाहिए। बोला ना एक बार, इधर कुछ नहीं है, निकलो इधर से, कोई फ्लैट फ्लैट नहीं है, हटो। मिस्टर हांडा और मिस्टर शाह में दुश्मनी, किस बात की? चलो सुनते हैं। हेलो हंसु भाई, वो नरेंद्र शाह वाला मामला सॉल्व हुआ कि नहीं? हाँ समझो हो गया। क्यों टेंशन है क्या? हंसु भाई मेरे पास लाइफ में हर जगह टेंशन ही टेंशन है। हंसु भाई ये मामला अगर जो 2 दिन के अंदर सॉल्व नहीं किया तुमने तो तुम अपना बाकी पैसा भूल जाना, समझे? 2 दिन क्या, आज ही हो जाएगा। कहाँ से आया? अच्छा हंसु भाई, किधर इधर को जाना है? घनशु भाई से मिलने का। घनशु भाई से शादी में आया क्या? दूल्हा लगता हूँ क्या? दिखता नहीं, बाइक पर आया हूँ, घोड़ी पे नहीं। काम बोल, काम क्या है? इस खिलौने को अंदर फायदे की बात करना है, जिसमें आप उनका फायदा, घनशु भाई का फायदा और तेरा फायदा। क्या है? अब्बास हो गया काम। ये हांडा भी ना बेकार में ही डरता है। भाई भाई ये लड़का अपनी गैंग में शामिल होना चाहता है। कौन है तू? कौन भेजा तेरे को? घनशु भाई भेजा तो अबुन को ऊपर वाले ने। अबुन का नाम इकबाल छपरी है। अस्सलाम वालेकुम। वो क्या है ना, अबुन ने आपका और आपका डेयरिंग के बारे में बहुत सुना है,
अब उनको बस एक बार अपनी गैंग में शामिल कर। हंसु भाई आप जो बोलेगा ना अबुन करेगा, धमकी टोचनगिरी हफ्ता वसूली सब कुछ करेगा। दो नंबर से लेकर 10 नंबर तक ये हाथ आपके लिए सब कुछ करेगा, बस एक बार एक चांस दो बस। मैं पूरा छानबीन करने के बाद ही छोकरा लोग को अपने गैंग में भर्ती करता है। क्या भाई तू छानबीन करो ना, अपुन ने कहा रोका है। भाई इकबाल छपरी नाम है अपुन का, पलटन गली में बड़ा हुआ, पहली चोरी 8 साल की उम्र में की, ठेले से अमरूद चुराया। 12 साल की उम्र में चाचा जान की पॉकेट मारी। 13 साल की उम्र में वो यार्ड है ना वहां से रेल की ट्रैक चुराई। और 16 की उम्र में किनारे की दुकान लूटी। और हाँ 20 साल की उम्र में वो सरकारी बैंक है ना पूरा साल। बस यही है, यही जब उनका बायोडेटा। ठीक है चमन जी, इसको ले तो जरा अंदर। और अगर जरा भी झूठ निकला ना। हंसु भाई अपुन झूठ नहीं बोलते, बस एक बार अपुन को चांस देता हूँ। एक बार आपका हाथ अपुन के सिर पर आ जाए ना तो अपुन अपुन छोड़ेगा नहीं उन लोगों। किसको? अरे वही शाह केमिकल्स वाले, लाखों का नुकसान करा दिया हमारे भाई का। अरे वही नरेंद्र शाह। तू नरेंद्र शाह को जानता है? अपुन नहीं भाई, अपुन का छोटा भाई जानता है। वो अपुन के छोटे भाई का वो डीलरशिप कैंसिल करा दी, लाखों का नुकसान करा दी। अपुन छोड़ेगा नहीं उसको। अब वो शाह केमिकल्स उसका छोटा भाई नचिकेत शाह देखता है ना, उसको भी फोड़ेगा भाई। लगता है अपुन का और तेरा दुश्मन एक ही है। और दुश्मन का दुश्मन बोले तो भाई, अगर तेरी छानबीन में सब कुछ ठीक ठाक निकला तो तू अपने गैंग के अंदर। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बोल। जरा संभाल के, अरे एक लड़का आया था मेरे पास, शाह का नाम ले रहा था। क्या बोला? अरे उसने मेरी गाड़ी में माइक्रोफोन रखा और हमारी सारी बात सुनी। देखने में कैसा था वो? देखने में तो यार अच्छे घर का लग रहा था। ठीक है मैं सब संभाल लेगा। पक्का ना भाई? पक्का। क्या वो भाई आप घूर क्यों रहे? रहता किधर है तू? भाई बोला ना पलटन गली। पलटन गली, पलटन गली मैं भूल गया था। अच्छा पलटन गली में अशरफ कंगी को जानता क्या? अरे जानता हूँ ना भाई अशरफ कंगी को। जा अशरफ कंगी पीछे चाय पी ले, उठा के ला उसको। हाँ बहुत ऊंचा जाएगा तू, बहुत ऊंचा जाएगा, मेरे गैंग का मेन पिलर बनेगा तू। हाँ गंजू भाई अपुन बनेगा आपके गैंग का। हाँ मेन पिलर बनाएगा मैं तेरे, मैं बनाएगा। दामोदरन यस सर, कम से कम 3 करोड़ रुपए का घपला है। क्या मोटा भाई को पता था इसके बारे में? नहीं सर, मैं खुद अभी शौक हूँ। उनके पास में एक ऑरेंज फाइल रहती थी जिसमें वो अपना सारा हिसाब रखते थे। वो फाइल ले आओ, उसे इन अकाउंट के साथ टैली करेंगे तो पता चल जाएगा किसने चोरी की है। सर वो फाइल तो ब्लास्ट में जल गई। जल गई या जला दी गई? एक एक आदमी की खबर लूंगा मैं, मेरे भाई की मेहनत का पैसा था, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, समझ गए तुम? 3 करोड़ रुपए हैं। ठीक है क्या? तीन करोड़? हमें तो 1 करोड़ बोला गया था। तो 3 करोड़ हो या 300, तुझे क्या? अरे उस हिसाब से हमारा हिस्सा बढ़ेगा ना, 3 करोड़ यानी कि तिगुना। अरे पागल हो गया क्या? पगलवा तो आपको हम देंगे अगर तिगुना नहीं मिला तो। क्या नहीं देता पैसे?
जो करना है वो कर ले। लेकिन एक बात याद रख, अगर मेरा नाम आया तो तू भी नहीं बचेगा, इसलिए अपनी अवकाश में रहे। दामोदरन, अवकाश तो तू अब मेरी देखेगा। सर, घंशु के लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया था, बहुत मुश्किल से वहां से निकला। साहब, ये फोन देख, मिसेस विलेमोरिया के जन्मदिन पर उन्हें भेंट स्वरूप दूंगा। अच्छा है ना? सब बहुत अच्छा है। यही फोन चाहिए था ना? जी हाँ। इसे जरा गिफ्ट रैप करवा लेना। कम इन। अरे आइए आइए, मिस्टर बबलू पांडे, शाह केमिकल्स के प्यून। सर, आपने तो पहचान लिया। बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? सर, आपके लिए खासम खास खबर है। अच्छा, खासम खास खबर, बताइए। माल है, लेकिन क्या हो रहा है? क्या अभय जी, पहले 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 आपने कहा कि आपने खून किया था, आप ही ने वो बॉम्ब रखा था, और योनर और भी ये कह रहे हैं कि मिस्टर शाह का खून उन्होंने किया ही नहीं, वो बॉम्ब इन्होंने रखा नहीं, बल्कि बॉम्ब उनका था ही नहीं। ऐसे किसे बाबा जी, ये अदालत है, कोई गेम नहीं है, यहाँ पे आप कभी हाँ कभी ना, ये सब यहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए, क्या इन्हें कानूनन अधिकार नहीं है अपने कथन बदलने का? नहीं, लेकिन उसकी नहीं है, है या नहीं है? है। अब इनका कथन झूठा है, ये आपको प्रमाणित करना है, और सत्य है, ये मुझे प्रमाणित। और इस कार्य में हमारी सहायता करने के लिए बबलू पांडे जी आएंगे अभी कटघरे में। साहब, आज हमारा जमीर जाग गया है, यहाँ जो कुछ कहूंगा आज मैं सच कहूंगा। सर, ये जो वहां बैठा है ना, दामोदर, शाह कंपनी का अकाउंट मैनेजर, साहब एक नंबर का लुच्चा आदमी है। साहब, ऑफिस में ब्लास्ट होने के बाद इसने हमें 5,000 रुपया दिया, कहा कि तुझे ऑरेंज कलर की एक फाइल ढूंढनी है, उस फाइल से कुछ जरूरी काम है। तो क्या क्या जरूरी काम था उन्हें उस फाइल में? दामोदरन और हमारे मालिक मिस्टर शाह के बीच कुछ दिनों से टेंशन चल रहा था, हमारे साथ रोज पैसे का हिसाब मांगते थे। हिसाब मांगते थे? क्या क्या टेंशन था पैसों को लेकर? बोलते थे अकाउंट में घपला हुआ है, पैसा मिसिंग है, किधर है? हमने कई बार सुना चाय देते हुए। दामोदरन, क्या है ये सब, है? बार बार वही भी वो मिस्टेक्स, और हर महीने में तुमको पगार चाहिए टाइम पे। हाँ सर, लगता है तुम इस कंपनी के मालिक हो, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। हाँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं सब चीज देखूंगा क्या? तुम्हें पगार किस बात की देता हूँ मैं? हाँ, 1 तारीख को आ जाते हो, बस सैलरी चाहिए सर, 1 दिन भी डिले हुआ तो बस। क्या है क्या ये, टेली नहीं करते क्या? कहाँ गए इतने पैसे? सॉरी सर। अरे लेकिन इतनी सारी मिस्टेक्स, फिर वो फाइल मिली? अब वो फाइल मिला मुझे, और ये फाइल है क्या? अरे हाँ, यही तो है। साहब, 5,000 के लिए अपना जमीन नहीं बेच सकते, ये आदमी गलत है, इसने ही हमारे साहब को मरवाया है। वो बम जी, मिस्टर शाह को किसने मारा ये तय करना अदालत का काम है, आपका नहीं। और दूसरी बात, वो जो बम था वो मिस्टर दामोदरन की बैग से नहीं, अब भाई तामले की बैग से मिला है। जो भी हो, ये बताइए कि जब अभय दामले जी ने प्रवेश किया दफ्तर में, उन्होंने अपना बैग आपको सौंपा था? कुछ क्षणों के लिए सौंपा था जी। हाँ, आपको क्या लगता है कि बैग में मैंने बॉम्ब डाला था? साहब, आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देख लीजिए साहब। देखा ना साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ।
इसमें हैरानी वाली कोई बात है ही नहीं, आप निर्दोष है क्योंकि दोषी नहीं है, दोषी तो पहले से अभय दामले जी हैं। योर ऑनर, मैं दामोदरन जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सर ये बबलू मेरे बारे में झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। सच बोल रहा है, सच बोल रहा है बबलू, क्योंकि जिस समय आप और बबलू मिलकर वो ऑरेंज फाइल ढूंढ रहे थे उस समय मिस्टर शाह के ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा बंद था, और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वो क्या मान लीजिए मिस्टर दामोदरन कि आप ही ने मिस्टर शाह को ने शाह केमिकल कंपनी में 3 करोड़ का घपला किया, लेकिन लेकिन मिस्टर शाह को मैंने नहीं मारा। नहीं, ये बात हम कैसे मान लें, ये बात हम कैसे मान लें दामोदरन जी, मिस्टर शाह आपको पकड़ने वाले थे इससे पहले कि वो आपको। नहीं सर नहीं, आप मेरा यकीन कीजिए, मिस्टर शाह को मैंने नहीं मारा। कर लीजिए यकीन, कर लीजिए पाठक साहब, प्लीज दामोदरन जी की बात का यकीन कर लीजिए योर ऑनर, क्योंकि ये हादसे के पहले का सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखा है, और वहाँ पे कहीं भी ऐसा इशारा नहीं है, कहीं भी हमने देखा नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दिया है कि दामोदरन जी ने वो बॉम्ब रखा हो। हाँ हाँ वही तो, आप मिस्टर नचिकेत से पूछ लीजिए, वो भी तो उस दिन अपने भाई से मिलने आए थे। जी हाँ, उस दिन मैं मोटा भाई से मिलने उनके ऑफिस में गया था, लेकिन मुझे इस दामोदरन पर शक है। मोटा भाई हमेशा कहते थे कि इसकी नियत में खोट है। शक तो आप पर भी हो सकता है मिस्टर नचिकेत, क्योंकि अब आपके भाई के देहांत के बाद उनकी ये 80 करोड़ की कंपनी ये सब आपकी हो गई। पैसे के लिए मैं अपने भाई को मारूंगा? हाँ क्यों नहीं, सर ऐसा होता देखा गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने सगे भाई के कैबिन में जाकर बम रखा? संभव है। आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं सिर्फ वहां पर आधे घंटे के लिए था। और एक बार देखना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि नचिकेत जी ने वो बैग वहाँ पे खोला, उसमें से बॉम्ब निकाला और फिर टेबल के नीचे रखा। ये जो बैग हमने देखा यहाँ, ये इस समय कहाँ है नचिकेत जी? कार में। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि इनका वही ब्रीफकेस इनकी गाड़ी से मंगवाया जाए। क्या कोड है आपका? 911। योर ऑनर, मैं बबलू की बात से सहमत हूँ, ये काम या तो अभय दामले ने किया है या फिर इस दामोदरन जी। ये भी संभव है योर ऑनर के ये कार्य किसी तीसरे ने ही किया। योर ऑनर, मिस्टर हांडा अभय दामले के मकान मालिक है जी। दामले साहब, नया फ्लैट ढूंढ लिया आपने? ढूंढ लो, कहीं ऐसा ना हो मुझे आपका सामान उठवा के बाहर फेंकवाना पड़े। देखिए आप परेशान मत होइए होंडा साहब, मैं बहुत जल्द व्यवस्था करने वाला हूँ। 1 महीना 2 महीना 6 महीना हो गया, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? देखिए आप जानते हैं मैं परेशान हूँ। अरे दुनिया में सबको परेशानी है, सारी दुनिया की परेशानी तुम्हारे सर पे है क्या? अगर खाली नहीं किया ना अभी तुमने, अपना डिपॉजिट भी भूल जाना। सुनने में आया है कि आप अभय जी की कक्ष में कुछ रखवाना चाहते हैं। इस फ्लैट में मेरा कुछ सामान रखना है। कैसा सामान? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। शुक्र मनाओ इस घर में अभी तक रहने दे रहा हूँ तुमको। मेरा पुराना फर्नीचर। चलिए हांडा साहब, सीधे मुद्दे पर आता हूँ, आप मिस्टर नरेंद्र शाह को कब से और कैसे जानते हैं? मैं नहीं तो बहुत मेहनत करवाते हैं आप। वो देखिए मेरे सहायक वरुण बैठे, पहचानते हैं ना आप? ना
अब बताइए जल्दी जल्दी कि आप मिस्टर शाह को कब से और कैसे जानते हैं? एक्चुअली सर, वाशी में एक बहुत बड़ा प्लॉट है, वो मैं खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस्टर शाह का वहाँ पर कब्जा था, अब वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए उस प्लॉट को खाली करवाने के लिए आपने घनशू जी की सहायता ली। घनशू जी की सहायता ली जी, और बेचारे अभय दामले जी को आपने फंसाया घनशू जी के द्वारा इनके लैपटॉप बैग में बम रखवा कर। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। घनशू ने ऐसा किया हो मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, वो प्लॉट तो आप खाली करवाना चाहते थे, अब मिस्टर शाह की मृत्यु से तो लाभ आप ही का होता, इसलिए आपने उन्हें मरवाया। सर, घनशू ने ऐसा किया होगा क्योंकि घनशू ने मेरे को बोला था कि वो किसी भी कीमत पर यह प्लॉट खाली करवा देगा। हांडा के बच्चे, एक तो इतना मगजमारी करके मैं तेरे लिए वो प्लॉट खाली करवाया, अभी तू ही बोलता है कि मैं शाह को मरवाया। साला मैं तो शाह से कभी मिला तक नहीं है। घनशू जी, संतुलन बनाए रखिए, अदालत है। ये बताइए, उस दिन अभय जी मिलने आए थे आपसे? हाँ, पर मिलने आए थे आपसे तो ये पूरी तरह संभव है कि आपने अपने किसी आदमी द्वारा इनके लैपटॉप बैग में बम रखवाया हो ताकि ये वही बैग मिस्टर शाह के ऑफिस तक ले जाए, क्योंकि ये मिस्टर शाह के लिए काम करते थे। अच्छा, ऐसा किया मैं? तभी तो साबित कैसे करेगा? अगर साबित कर भी देंगे मिस्टर पाठक, तो ये कैसे साबित करेंगे आप कि मिस्टर बबलू, मिस्टर नचिकेत शाह, मिस्टर दामोदरन, मिस्टर हांडा और मिस्टर घनशू, इन सारे मिस्टरों को सिर्फ इतना ही नहीं पता था कि अभय दामले की बैग में बॉम्ब है, पर ये भी पता था कि अभय दामले वो बॉम्ब वाला बैग ऑफिस में भूलने वाला है। सोचने वाली बात है ना? अभय जी, आपने जो पहले कहा था कि वो बॉम्ब वाला बैग आपने ही उस कैबिन में छोड़ा था, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या वो बात सही थी? जी जी नहीं, मैं वो बैग भूल गया था वहाँ। भूल गए थे आप, जानबूझ के नहीं छोड़ा था? जी नहीं। नहीं जी नहीं। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने अभी जितने भी मिस्टरों के नाम लिए यहाँ पे, उनमें से किसी को भी पता था कि आप बैग भूलने वाले हैं, मतलब कोई भविष्य देख सकता है, ऐसी कोई संभावना, कोई चांस है? जी नहीं। नहीं तो फिर तो जिसने भी आपकी बैग में बॉम्ब रखा, उसका इरादा सिर्फ मिस्टर शाह को नहीं बल्कि आपको भी मारना था, और आपके साथ साथ ऑफिस में जितने भी स्टाफ थे सबको मारने का इरादा था उसका, नहीं? पूरी तरह से संभव है कि इरादा यही रहा। पाठक साहब, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप चाहे उस दिशा में उसे इधर उधर दौड़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो सच है वो आपकी सोच से बड़ा है, और सच यही है कि वो बॉम्ब अभय ने ही बैग में रखा था, और अभय ने जानबूझ कर वो बॉम्ब वाला बैग मिस्टर शाह के ऑफिस में रखा ताकि वहाँ पे ब्लास्ट हो जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अगर मैंने पहले ही कबूल किया होता कि मैं निर्दोष हूं, तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। नहीं है भाई, मामला इतना ही गंभीर होता जैसे कि अब है, हो सकता है स्थिति और भी गंभीर होती, क्योंकि यहां बात तुम्हारे सच की नहीं है, बात उस झूठ की है जो वो लोग बोल रहे हैं। और अगर सब सच बोल रहे हैं तो फिर हमसे ही कोई चूक हुई होगी। सोचना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो अब तक हमारे शक के दायरे में नहीं आया। फिर तो मेरी पत्नी सुधा ही है, उसके सामने मैंने बैग पैक किया था और फिर मैं नहाने चला गया। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सुधा ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारी पॉलिसी, उसी के लिए मेरी जान। नहीं पाठक साहब, सुधा ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है, कभी नहीं। नचिकेत भाई, आपके भाई के हादसे के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये हादसा नहीं था अनिकेत भाई, एक सोची समझी साजिश थी जिसका शिकार मेरा भाई बना। मैंने न्यूज़ में सुना अभय दामले के बारे में,
क्या आपको लगता है कि उसने ही बॉम्ब रखा होगा आपके भाई के केबिन में? नहीं, मुझे अभय दामले पर नहीं, किसी और पर शक है। किसी और पर? किस पर? किस पर है ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मोटा भाई के ऑफिस में बहुत घपला हो रहा था। घपला हो रहा था मतलब? मतलब ये कि जब मेरी आखिरी बार मोटा भाई से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि कंपनी में पैसों की हेरा फेरी हो रही है। उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे ध्यान देना होगा कि मोटा भाई की मौत से किसको फायदा पहुंच सकता था। बबलू, घनशु, हांडा, नचिकेत, दामोदर, इन्हीं में से कोई है। कौन? वरुण भी भुलक्कड़ होता जा रहा है, उससे कहा था इसे गिफ्ट रैप करा ले। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं अपने किए हुए भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। क्या बात, मुझे अच्छा लगता है पाठक साहब, ये जो नेचर है ना आपकी, मॉडेस्टी, आई रियली लाइक इट। गलती होती माफी मांग लेते हैं, वही गलती ना, अभय को बेगुनाह मानने वाली गलती ना। नहीं 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 नहीं, वो भूल जो केवल मुझसे नहीं आपसे भी हुई, मतलब हम सबसे हुई वो भूल। योर ऑनर, ये सोचने की भूल कि वो बम जो उस दिन मिस्टर शाह के दफ्तर में फटा वो अभय दामले के बैग में था, लैपटॉप बैग। वास्तविकता में योर ऑनर, वो बम इनके बैग में था ही नहीं। कमाल है योर ऑनर, पहले पाठक साहब ये कह रहे थे कि वो जो बम था वो अभय के लैपटॉप के बैग में ही था, लेकिन अभय ने नहीं, किसी और ने रखा था। अब कह रहे हैं कि वो बम उसके बैग में था ही नहीं। था ही नहीं, साबित करो। इसलिए तो कह रहा हूँ भूल हो गई, क्षमा मांग रहा हूँ। नहीं नहीं, वो सब बाद में कर लेना, पहले साबित करो। आइए आप स्वयं साबित। मैं बता, मैं दिखाता हूँ, प्लीज। योर ऑनर, मुंबई पुलिस बॉम्ब स्क्वाड और फोरेंसिक्स इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि उस दिन जो लैपटॉप बैग अभय जी के पास थी वो हूबहू ऐसी ही थी। क्या आप समर्थन देते हैं इस बात को? मुंबई बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक्स इस बात की भी पुष्टि कर चुकी है योर ऑनर के उस दिन अभय के लैपटॉप बैग में इतना ही सामान था। ऐसा ही लैपटॉप, ऐसे ही पुस्तक, ऐसे फाइल, लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स। जसवाल साहब, बॉम्ब। क्या मतलब मुझे बॉम्ब दे रहे हैं? जसवाल साहब, नकली है, हूबहू वैसी ही कॉपी जैसे कि उस लैपटॉप बैग में थी। अब एक चेष्टा करिए कि ये इस बैग में फिट हो जाए। ये बैग में? जी जी। टाइम वेस्ट, दो मिनट का तो काम है। हाँ, करिए करिए, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो उस दिन थी बैग के अंदर, इसके होते हुए आपको बम। ये इसके होते हुए ना? हाँ, और क्या जिप, क्या बोल रहे थे? जिप बंद करना है। जिप भी बंद करना है। सीसीटीवी में इनके लैपटॉप, हाँ देखा देखा, बंद था ना, तो उतर के दिखाता हूँ ना मैं आपको। क्या हुआ, फिट नहीं हो रहा? फिट नहीं हो रहा योर ऑनर, फिट नहीं हो रहा। इसका अर्थ ये होता है कि उस दिन भी वो बॉम्ब मिस्टर अभय दामले के लैपटॉप बैग में फिट नहीं हुआ होगा। जिसका अर्थ ये होता है कि वो बॉम्ब मिस्टर अभय दामले के बैग में था ही नहीं। जिसका अर्थ ये होता है कि पहले से ही इनके मिस्टर शाह के दफ्तर में दाखिल होने से पहले ही वो बॉम्ब किसी ने वहां रख दिया। पहले से? जी पहले ही। नहीं, ये कैसे, कुछ मैं समझा नहीं, समझाइए। अभय वहां आकर बैठा, उसने अपना बैग वहां रखा, और बैग वहां भूल कर चला गया। कुछ देर बाद बॉम्ब का टाइमर पूरा हुआ और वो फटा, क्योंकि बैग उसके एकदम निकट सबसे ज्यादा चीथड़े बैग के उड़े।
राख की गर्मी से बैग के हिस्से और बॉम्ब के हिस्से एक दूसरे से चिपक गए, जिससे कि बॉम्ब स्क्वाड वालों को लगा कि बॉम्ब उसी बैग में रखा गया। जी और ऐसा सोचना, यही हमारी भूल थी। सोचने वाली बात है। चलो मान लेते हैं आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन एक सच आपको भी मानना पड़ेगा पाठक साहब, वो सीसीटीवी कैमरा वाला सच, सिक्योरिटी कैमरा एज योर ऑनर, उसमें हमने किसी भी इंसान को, अभय दामले के अलावा किसी भी इंसान को कैबिन में एंटर करके वो बॉम्ब रखते हुए नहीं देखा। अब सोचने वाली बात है कि अगर अभय के बैग में बम नहीं था तो बम उनके हाथों में रहा होगा, और सीसीटीवी कैमरा में तो कहीं पर भी इनके हाथों में बम नहीं नजर आया, तो फिर बम आया कहाँ से? योर ऑनर, वो बम मिस्टर शाह के कैबिन में अभय ने नहीं, किसी और ने रखा। किसने किसने? दामोदरन? मिस्टर दामोदरन ने नहीं। नहीं, दामोदरन नहीं तो कौन था? वो प्यून बबलू जो चाय के साहब, सुन लीजिए, कोई और ही था। और कौन? मिस्टर शाह के छोटे भाई मिस्टर नचिकेत शाह। पाठक साहब, एक सिंपल सी बात है, एक मिनट के लिए आपकी बात को मान लेते हैं कि मैं अपने बैग में बम रखकर अपने ही सगे भाई को उड़ाने गया था, लेकिन उनके कैबिन में मैंने उस बैग को खोला तो होगा, उसमें से बम निकाला तो होगा, तो ये सारी फुटेज आपको सीसीटीवी में जरूर दिखाई देती। एग्जैक्टली पाठक साहब, इज गॉट अ पॉइंट। योर ऑनर, सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखा है पहले भी, कहीं भी हमको दिखा नहीं है कि नचिकेत जी वो बैग लाए, उन्होंने खोला, बॉम्ब निकाला, रखा, बैग बंद किया, नथिंग एट ऑल। पाठक साहब, बहुत बुरी आदत है इनकी, बिना सुने ही टोक देते हैं। योर ऑनर, ये सब इन्होंने किया होता अगर इनका बैग कोई साधारण बैग होता तो, किंतु इनका बैग ऐसा नहीं था। क्यों? ठीक कह रहा हूँ मैं मिस्टर शाह? क्या मतलब है आपका, साधारण बैग नहीं था? कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, साधारण बैग नहीं था मतलब बैग साधारण नहीं था, कुछ खास था उस बैग में, और एक खास दुकान से आपने लिया था। कौन सी दुकान से लिया था? सनी लेदर फैशन, धारावी ईस्ट। नहीं नहीं, वो नहीं, वैसे दो बैग आपने लिए थे, एक बैग साधारण था, दूसरा कुछ खास। योर ऑनर, उस बैग की खासियत को, उस बैग की विशेषता को मैं चाहता हूं कि सनी लेदर फैशंस के मालिक शाहबुद्दीन जी आकर हमें बताएं। आइए शाहबुद्दीन जी, आइए। योर ऑनर, अनुरोध करता हूं मैं अदालत से कि शाहबुद्दीन जी को यही इस बैग की खासियत दर्शाने का अवसर दिया जाए और इनकी बातों को दस्तावेज में दर्ज भी किया जाए। अनुमति। योर ऑनर, ये शाहबुद्दीन जी हैं सनी लेदर वर्क्स के मालिक। हाँ सर, मिस्टर नचिकेत के लिए ऐसे दोनों बैग मैंने बनवाए थे, एक साधारण और एक खास। शाहबुद्दीन जी, न्यायाधीश महोदय को इस बैग की खासियत के बारे में बताइए। इसमें खासियत है, इस हैंडल के पास एक बटन है जो दबाते ही नीचे वाला हिस्सा बाहर आता है और अंदर का माल सब बाहर आ जाता है बिना बैग खोले। Your Honor, कुछ इस प्रकार से। तो मिस्टर नचिकेत शाह जूनियर, कुछ कहना चाहते हैं या मैं आगे स्पष्ट कर दूं? पाठक साहब, अब कहने के लिए क्या रह गया? एग्जैक्टली केडी साहब, आपने मेरा झूठ पकड़ लिया, मैंने ही अपने भाई को मारा। ताकि उनका करोड़ों का बिजनेस मेरा हो सके। मुड़ा भाई,
डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत मिस्टर नरेंद्र शाह के कत्ल के इल्जाम में उनके भाई नचिकेत शाह को दोषी मानते हुए इन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर अभय दामले को निर्दोष मानते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। जसवाल साहब, सोचने वाली बात है कि सूचना क्या है। अरे हाथ मत छोड़ो, हाथ मिलाओ, बधाई हो। अरे अभय, तुम्हारी बात चल रही थी एक मित्र के साथ, कह रहे थे कि तुम जैसे अकलमंद व्यक्ति के लिए उनकी कंपनी में एक नौकरी है अगर तुम चाहो तो। और वो जो वादा तुमने मुझसे किया था याद है? जी मुझे याद है, जिंदगी जीने के लिए होती है। हाँ, इसी बात पे हरिवंश राय बच्चन साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.